बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। एंटेस्ट स्पॉन्सर की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, DIT पास्ट पेपर्स के सिलसिले में कंप्यूटर नेटवर्क का पेपर है और इसके 4 पार्ट्स हो चुके हैं। इस वक्त पार्ट नंबर 5 अपलोड कर लेते हैं। ये पेपर 8/9/2023 को अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, ये न्यू सिलेबस है, न्यू कोर्स। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन सेकंड थर्ड पार्ट, पार्ट सी। पेपर को ऑलरेडी मैं MS वर्ड में लिख चुका हूं। ये हमारे पास पार्ट सी है, जिस तरह की ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। इस पेपर के 4 पार्ट्स होंगे। एक पार्ट MCQs का पार्ट होगा, उसके 15 नंबर है, ठीक है। और इसके 20 मिनट के अंदर अंदर आपको ये पेपर रिटर्न करना होगा सुपरिटेंडेंट को। इसके बाद एक और पेपर आपको दिया जाएगा, उसमें 2 पार्ट्स होंगे, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट बी के 30 मार्क्स होंगे, इसमें 8 में से 6 क्वेश्चन करने होंगे, हर क्वेश्चन का 5 नंबर होगा। उसके बाद पार्ट सी होगा, पार्ट सी में 4 क्वेश्चन होंगे, उसमें से 3 क्वेश्चन करने होते हैं, हर क्वेश्चन का 10 नंबर है और उसके भी 30 नंबर है, और चौथा हिस्सा इसका प्रैक्टिकल का है, प्रैक्टिकल के 25 मार्क्स है। इस तरह टोटल 100 मार्क्स का पेपर होता है, टोटल नंबर 100। तो ये 4 हिस्से होते हैं हर पेपर के, तमाम जितने भी DIT के तमाम पेपर्स हैं। उसमें 15 मार्क्स का MCQs का होता है, 30 मार्क्स उसके शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, 30 मार्क्स उसके लॉन्ग क्वेश्चन के होते हैं और 25 मार्क्स उसके प्रैक्टिकल के होते हैं। तो आज हम ये पार्ट बी को हम सॉल्व कर चुका हूं, पार्ट सी को शुरू करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन दिस वन देखें, एक्सप्लेन टपोलॉजी, आल्सो डिस्क्राइब स्टार एंड रिंग टपोलॉजी। पार्ट बी में एक क्वेश्चन टपोलॉजी के बारे में जो मैं के इंतहाई डिटेल से वो मैं बता चुका हूं। यहां पर वही जिस तरह पहले मैंने उस वक्त आपको बताया था कि इस टपोलॉजी से 3-4 टॉपिक ऐसे हैं जिसमें से क्वेश्चन लाजिमी 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 आएगा, ठीक है। वो क्या है? नंबर एक टपोलॉजी है, एक क्वेश्चन इसमें से लाजिमी है। नंबर 2 नंबर पर टाइप्स ऑफ नेटवर्क, लैन मैन वैन, और उसमें से सर्वर बेस नेटवर्क और पीयर टू पीयर नेटवर्क, उसमें से लाजमी क्वेश्चन आएगा। नंबर 3 केपल मीडिया, कम्युनिकेशन मीडिया, इसमें से लाजमी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और 4 नंबर पर OSI मॉडल, OSI मॉडल से लाजमी क्वेश्चन आते हैं। ये 4 क्वेश्चन तो लाजमी है, इसमें से मैं भी 2-2 क्वेश्चन हो, एक या एक 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 तो लाजिमी है। तो ये 4 टॉपिक जिसने भी अच्छे तरह से कवर कर लिए तो वो आंखें बंद करके भी पास हो सकता है। यहां पर हमारे पास क्वेश्चन टपोलॉजी का है। टपोलॉजी किसको कहते हैं? द फिजिकल लेआउट, नेटवर्क जो हम बनाते हैं तो उसका लेआउट को टपोलॉजी कहते हैं। लेआउट का मतलब कि ये नेटवर्क जो है ये किस शक्ल का बना हुआ है, आया ये स्टार के शक्ल में है या कि रिंग शक्ल में है। जिस तरह ये स्टार की शक्ल में इस तरह है, ये स्टार शक्ल की है, ठीक है। इस तरह ये रिंग की शक्ल में भी हो सकता है, इस तरह रिंग की शक्ल में हो सकता है। यहां पर कंप्यूटर लगे होंगे, इस तरह ये रिंग की शक्ल भी हो सकती है, और इसके बाद बस शक्ल की भी हो सकती है, जिस तरह केबल बिछाया हो इस तरह और यहां पर इसके कंप्यूटर लगे हों इस तरह, ठीक है। तो ये बस टपोलॉजी हो गई। इसके बाद मिश टपोलॉजी है, मिश टपोलॉजी में हर एक को एक दूसरे से कनेक्ट होता है इस तरह, तो इसको मिश टपोलॉजी कहते हैं। यहां पर जो अभी दिए गए हैं, यहां कहते हैं कि आपने डिस्क्राइब करने स्टार और रिंग टपोलॉजी। दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेहतरीन तरीका यह है कि सबसे पहले आप टपोलॉजी को डिफाइन करें। टपोलॉजी की डिफाइन करने के बाद आप जो दिया गया, जो यहां पर स्टार दिया गया, स्टार टपोलॉजी की डिफाइन करें और इसके साथ साथ इसकी शक्ल बनाएं। शक्ल बनाना के लिए आपके वो अलाहिदा 2-3 मार्क्स होंगे उसके, ठीक है। उसकी ड्राइंग बनाना, शक्ल बनाना, ये इंतहाई जरूरी है। उसके बाद उसके एडवांटेजेस लिखे और फिर डिसएडवांटेजेस लिखे, दैट इज ऑल।
जिस तरह की टपोलॉजी क्या कहते हैं, इन कंप्यूटर साइंस सर्टेन नेटवर्क टपोलॉजी रिफर्स टू फिजिकल और लॉजिकल लेआउट। देखें इसको कहते हैं, ज्यादा डिटेल में मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि पहले ये मैं बता चुका हूं। टपोलॉजी के पांच अकसाम है टोटल। एक स्टार टपोलॉजी है, बस टपोलॉजी है, रिंग टपोलॉजी है, मिश टपोलॉजी है, हाइब्रिड टपोलॉजी है। अभी दिया गया कि स्टार टपोलॉजी की एक्सप्लेन करो, तो ये स्टार टपोलॉजी, स्टार टपोलॉजी जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्टार टपोलॉजी की शक्ल इस तरह होती है। ये यहां पर कंप्यूटर लगा है, ये कंप्यूटर लगा हुआ, ये कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर है, इस तरह के बहुत सारे कंप्यूटर हो सकते हैं। इसके दरमियान में स्विच लगा होता है या हब लगा होता है, स्विच या हब दोनों में से कोई भी हो सकता है। और ये स्विच और हब जो है ये इसके साथ सारे कनेक्ट होते हैं, तो इस तरह की शक्ल को स्टार टपोलॉजी कहते हैं। इस तरह जो शक्ल होगी वो स्टार टपोलॉजी। दूसरा हमें देखिए कि रिंग टपोलॉजी एक्सप्लेन करें, तो ये रिंग टपोलॉजी इस शक्ल की होगी, ये इसमें यहां पर कंप्यूटर लगे होंगे इस तरह, ये रिंग की शक्ल में होगी, ठीक है। तो दो इस दोनों को एक्सप्लेन करना है, इसके डिफिनेशन करना है, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज लिखे। स्टार टपोलॉजी को मैं ऑलरेडी डिफाइन कर चुका हूं पहले वाली वीडियो को देखे, और ये इसके एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं। जिस तरह इतना ज्यादा हेडिंग्स आप लिखेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, अगर आप हेडिंग कम लिखेंगे तो आपको कम मार्क्स मिलने की तवक्को है। जितना ज्यादा हो सके हेडिंग ज्यादा लिखें। ये सारा रिंग टपोलॉजी है, तो रिंग टपोलॉजी रिंग की शक्ल में होती है। रिंग टपोलॉजी इज अ नेटवर्क कॉन्फिगुरेशन वेयर डिवाइसेस कनेक्टेड क्रिएट सर्कुलर डेटा फ्लो। देखिए सर्कुलर होता है, तो ये रिंग की शक्ल में हो गए, और इसके ये एडवांटेजेस हैं और ये डिसएडवांटेजेस हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर देखिए। क्वेश्चन नंबर फोर, एक्सप्लेन TCP/IP प्रोटोकॉल के बारे में भी एक वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूं, ये भी प्रोटोकॉल्स हैं। TCP/IP क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है ये, TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये एक मॉडल है OSI मॉडल की तरह, OSI ओपन सिस्टम इंटरकनेक्टिविटी, जिस तरह एक मॉडल था एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं अपने तलबा को क्लास में। तो OSI मॉडल में 7 लेयर्स होते हैं, लेकिन ये मॉडल है इसमें 4 लेयर्स होते हैं। TCP/IP ये प्रोटोकॉल जो है इसमें 4 लेयर्स होते हैं, और इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि जब हम डेटा को ट्रांसमिट करते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर की तरफ, तो इस TCP/IP का ये काम है कि सबसे पहले तो जो डेटा होता है उसको पैकेट में डिवाइड कर लेता है, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लेता है इस तरह। ये फिर क्या होता है, आसानी से मूवमेंट हो जाता है, और इस साइड पर यहां पर फिर उन पैकेट्स को फिर अगेन एक बंडल बना लेता है, एक ही फाइल बना लेता है। और दूसरी ये कि एक्यूरेसी को मद्देनजर रखता है कि ये जो डेटा ट्रांसफर होता है ये एक्यूरेटली अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाए, तो इसका मेन फंक्शंस यही है, ठीक है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन, इसको मैंने इतना लेंथी नहीं लिखा, इसको आप स्टडी करें, इसके नोट्स बना ले। नोट्स नहीं बना सकते तो ये पेपर जो जितना जीपे पेपर होंगे उसको मैं PDF फाइल में कन्वर्ट करके ग्रुप में शेयर कर लूंगा, फिर वहां से आप इसको डाउनलोड करें। तो ये तो दोस्तों आज का पार्ट, इसके बाद एक मजीद पार्ट होगा 5 नंबर और 6 नंबर क्वेश्चन के, तो फिर ये पेपर कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद नेक्स्ट पेपर को हम शुरू करेंगे इंशाल्लाह ताला। तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।